गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जो कल हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो आपने कर लियोगे, ऐड के सम थे। 3.3 भी ऐड के हैं, लेकिन इसमें समस्या थोड़ी सी क्या थी, इसमें स्टेटमेंट है वो हमारे पास दी गई थी, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन है वो विद्यार्थियों को हो सकती थी, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको है वो समझा जा रहा है। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट सम, ए कंपनी प्रोड्यूस 74,896 बाईसाइकल्स इन ईयर 2012। एक कंपनी है वो 2012 के अंदर है वो 74,896 बाईसाइकिल, मतलब साइकिल है वो बनाती है। 2012 के अंदर कितने बनाती हैं? 74,896 साइकिल। 81,694 इन ईयर 2013। 81,694 इन ईयर 2013, मतलब 2013 में। 2013 में कितने बनाती है? 81,694, ठीक है। एंड 82,586 और 82,586 है वो कब बनाती हैं? इन ईयर 2014, 2014 के अंदर। 2014 के अंदर कितने बनाती है? 82,586 बाईसाइकिल है वो तैयार करती हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकल्स प्रोड्यूस इन थ्री ईयर। तीनों सालों में उसने कितने बाईसाइकल्स है वो बनाए हैं वो इसके अंदर हमने बताना है। तो बिल्कुल आसान सा आपका समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। स्टेटमेंट यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भाई वो आ गया होगा, पता चल गया होगा आपको कि इसके अंदर हमने क्या करना। तो बिल्कुल आसान सा, थ्री इयर्स के अंदर हमने बताने की बाईसाइकिल कितने, तो हम क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है। तो सभी को हम ऐड करते हैं। फर्स्ट मतलब 2012 के अंदर हमने कितने बनाए थे? 74,896। 2013 के अंदर हमने कितने बनाए थे? 81,694। एंड 2014 के अंदर हमने कितने बाईसाइकिल बनाए थे उस कंपनी ने? 82,586। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे इस सम के अंदर ऐड है वो कर देंगे। तो ऐड हमने इसमें कर दिया है, ये हमारे 6 4 10 10 और 6 16 हो गया, 1 कैरी हो गया हमारे पास, और उसके अलावा 9 और 9 18 18 और 8 26 26 1 कैरी था, 17 हो गया हमारे पास, 8 6 14 14 और 5 14 और 5 19 2 कैरी था, 21 हो गया हमारे पास, 4 1 5 और 2 7 और 2 करी था 9 हो गया हमारे पास, 8 8 16 16 और 7 23। तो ये हमारे पास फर्स्ट सम है हमारा वो कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐड करना हमने इसके अंदर, फर्स्ट सम के अंदर आपने ध्यान रखना इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट सम के अंदर हमने क्या करना है, देयर आर 56,789 गर्ल्स इन ए यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर है वो 56,789 है वो गर्ल्स है, मतलब लड़कियां हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज, जो लड़कों की संख्या है वो 6,785, 6,785 मोर देन द गर्ल, लड़कियों से अधिक है, 6,785 है वो लड़कियों से अधिक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं वो हमने बताने हैं। तो बिल्कुल ही आसान सा सम है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से ये दिया गया है। लड़कों की संख्या पूर्णतः नहीं बताई गई है, वो इसमें लड़कियों से अधिक बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लड़कों की संख्या निकालेंगे, लड़कों की संख्या निकालने के बाद लड़के और लड़कियाँ दोनों की संख्या है उसको जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो निकल जाएंगे। तो हम इसको करते हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है,
हमारे पास गर्ल्स है वो दी गई है, कितनी गर्ल्स है भाई वो हमारे पास दी गई है, वो 56,789 है वो गर्ल्स हमारे पास दी गई है। बॉयज़ है, बॉयज़ है जो हमारी गर्ल्स थी 56,789 उससे क्या है अभी अधिक है, अधिक कितनी है मोर देन मतलब अधिक है, कितनी अधिक है 6,785 है वो अधिक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद 9 5 14 वन कैरी हो गया, 8 8 16 वन कैरी 17 वन कैरी हो गया, 7 7 14 वन कैरी 15 ठीक है, वन कैरी हो गया 6 6 12 वन कैरी 13 और वन कैरी हो गया 5 और 1 16 यानी टोटल बॉयज है वो हमारे पास कितने आए हैं भाई 63,574। और अब हम इन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा नंबर ओ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कितने हैं वो हमारे निकल जाएंगे ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं भी, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया 9 4 13 वन कैरी हो गया, 8 7 15 और वन कैरी 16 6 वन कैरी हो गया, 7 5 12 और वन कैरी था 13 का 3 हो गया, 1 carry 6 3 9 और 1 carry 10 10 की 0 हो गई, 1 carry 5 6 11 और 1 carry 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कितने आए 1,20,363 1,20,363 स्टूडेंट है भाई उस यूनिवर्सिटी के अंदर है भाई वो पढ़ते हैं ठीक है। हाँ गया समझ में अच्छे तरीके से ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, पहले हमने गर्ल्स है उनकी संख्या वो दी गई थी, बॉयज़ की हमने निकाल ली थी क्योंकि 6,785 अधिक है तो वो उसमें गर्ल्स में ऐड कर दिए बॉयज़ आ गए, और टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या निकल गया टोटल स्टूडेंट्स हो गए। आगे देयर आर 7,856 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 7,856 बुक्स है वो इंग्लिश की है हमारे पास, 9,178 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 9,178 बुक्स है वो मैथमेटिक्स की हैं, एंड 6,725 बुक्स ऑफ साइंस, और 6,725 जो बुक्स है वो किसकी हैं साइंस की हैं, इनने स्कूल लाइब्रेरी हमारी स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर 7,856 बुक्स इंग्लिश की, 9,178 बुक्स मैथमेटिक्स की एंड 6,725 बुक्स साइंस की है। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर कुल कितनी किताबें हैं वो हमने बताना है। तो बिल्कुल आसान सा है, मैथमेटिक्स की इंग्लिश की और साइंस की सभी का हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं भाई, हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है इंग्लिश की बुक्स कितनी है हमारे पास, इंग्लिश की बुक्स हमारे पास 7,856 है, इंग्लिश की मैथ की कितनी है 9,178 है और साइंस की कितनी 6,725। तो ऐड करेंगे 6 14 5 19 का 9 वन कैरी हो गया, 5 7 12 और 2 14 और 1 carry 15 वन कैरी, 8 1 9 7 16 वन कैरी 17 7 हो गया वन कैरी, 9 7 16 और 6 22 और 1 carry 23 और टोटल बुक्स है हमारी है भाई वो लाइब्रेरी के अंदर वो कितनी हैं 23,759 बुक्स है हमारी लाइब्रेरी के अंदर है भाई वो विद्यमान है ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो 3 सम थे वो कर सकते हैं, तीनों सम ऐड के थे, अलग अलग तरीके से हमने ऐड करना था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।